अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? और आज बनने जा रहे हैं मेरे किचन में मज़ेदार आलू बैगन। हाफ़ के जी लिए हैं यहाँ पर मैंने आलू, और हाफ ही के जी मैं इसके बाद ले रही हूँ बैगन, जिनको मैंने कट करके हाफ़ एन आवर के लिए नमक वाले पानी में भिगो कर रख दिया था। तीन प्याज यहाँ पर लिए हैं मैंने, और मीडियम साइज़ के तीन प्याज लिए हैं, उनको कट कर लिया है। और इसके अलावा तकरीबन बड़े साइज़ के तीन या छोटे साइज़ के चार टमाटर आप ले सकते हैं, उनको भी आप छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लें। और कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, मज़ेदार आलू बैंगन बनाना। तो आलू बैंगन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप ऑयल का, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है प्याज। तो जनाब प्याज को जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता, लाइट ब्राउन सा शेड देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं तो जो है वो सालन का कलर ख़राब हो जाता है, और टेस्ट में भी थोड़ी सी तलखी आ जाती है। तो अब इसके अंदर जाएगा एक चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं साबुत यूज़ करती हूँ। एक टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, यहाँ पर प्याज हो गई थी ब्राउन तो उसके अंदर अब ऐड कर दिया मैंने टमाटर, और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और ढक कर हम टमाटर को टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब टमाटर गल जाए उसको अच्छे से भून कर अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है आलू और बैंगन, और आलू बैंगन यहाँ पर ऐड करके इसको टमाटर और प्याज के साथ थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और वो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर जाएंगी ग्रीन चिलीज़, सो ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी मैंने। अब इसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो स्पाइसेस में सबसे पहले ऑब्वियसली द मेन इंग्रेडिएंट इज़ सॉल्ट, तो 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब जनाब उसके बाद ऐड किया है हाफ टी स्पून ले लीजिए हल्दी का, 1 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, इसके अलावा 1 टेबल स्पून ऑफ धनिया पाउडर, और अब लास्ट इनमें जाएगा इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर। तो ये मैंने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, और तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसको ढककर रख दें, और ये बैंगन और आलू अपना थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे तो उसी में ये टेंडर हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने इसको भून के इसमें हाफ कप पानी ऐड कर दिया था, और इसको अब मैंने रख दिया है गलने के लिए, और पानी जैसे खुश्क होगा साथ साथ इसकी भुनाई भी करते जाएंगे। और इसी के साथ जो है वो लास्ट मिनट पर हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, और हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए रखना है हमें दम पर, और लास्ट में ऐड करना है 1 टेबल स्पून ऑफ कसूरी मेथी। तो लीजिए जी, मज़ेदार से आलू बैंगन तैयार हैं, चपातियों के साथ या बॉयल चावल के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो गिव अ बिग थम्स अप, और मेक श्योर टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। और अभी भी वॉइस थोड़ी सी डिस्टर्ब है ड्यू टू फ्लू, सो प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस। और अगेन मैं कहती हूँ कि बी सेफ बी हेल्दी, और अपना ख्याल रखिए, आसपास वालों का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, और जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो करवा लीजिए। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।